हेलो एवरीवन, हम डॉक्टर मोहन बैंकन और ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन जो नी पेन की एडवांस ट्रीटमेंट है उसमें पेशेंट्स कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसमें से सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि सर आप ये उसमें जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन में आर्टरी के अंदर क्या इंजेक्ट करते हैं कि आर यू इंजेक्टिंग स्टीरॉइड्स, आप स्टीरॉइड तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना। तो ये सारे कॉमन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन जो नी पेन के लिए है या हील पेन के लिए प्लांटर आर्टरी एम्बुलेशन है, वैसे ही ये शोल्डर जॉइंट के लिए भी हम जो एम्बुलेशन की ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं वो एम्बुलाइजिंग पार्टिकल्स रहते हैं, उसमें स्टीरॉयड वगैरह का कोई भी रोल नहीं है। ये स्मॉल 50 माइक्रोन्स के पार्टिकल्स रहते हैं जो साइटोकाइंस रिलीज करती साइट जो आर्टरीज है उसको ब्लॉक करके साइटोकाइंस की रिलीज रुक देते हैं। ये साइटोकाइंस जो इन्फ्लेमेशन के लिए उसकी वजह से पेन के लिए जिम्मेदार है और साइटोकाइंस की रिलीज रुक जाने की वजह से नी पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाती है। सो वी आर नॉट यूजिंग द स्टीरॉयड एट ऑल, वी डोंट इंजेक्ट एनीथिंग विद इन द जॉइंट, वी जस्ट यूज दीज एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स इन द आर्टरीज विच इज सप्लाइंग टू द जॉइंट, जो सराउंडिंग साइनोवियम है उसके अंदर की जो ब्लड सप्लाई होती है जहाँ उसको भी हम आइडेंटिफाई करके उसमें एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं। वी डोंट यूज स्टीरॉयड एट ऑल।